यूपी की राजधानी लखनऊ में आबिद अली नाम के पत्रकार पर जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो सुबह के वक्त का है। इस वीडियो में 4 से 5 बदमाश दिखाई देते हैं जो पत्रकार आबिद अली की पिटाई शुरू कर देते हैं। तभी घर के बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर उनकी पत्नी बाहर निकलती है और गजब का हौसला दिखाते हुए बदमाशों पर टूट पड़ती है। वो अपने घर से रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और बदमाशों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। पत्नी के हाथ में पिस्तौल देखकर बदमाश फरार हो जाते हैं। खबर के मुताबिक ये वीडियो लखनऊ के काकोरी इलाके का है। वीडियो की शुरुआत में एक शख्स अपने हाथ में कुछ पेपर लिए खड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद आबिद चाबी से दरवाजे का ताला खोलते हैं और उससे बातें शुरू कर देते हैं। तभी 4 से 5 लोग उन पर हमला बोल देते हैं। पुलिस ने इस मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।